हे गाइस हाय दिस अभिषेक मास्टर टीचर ऑफिस एट वेदांत कैसी चल रही है बच्चे जिंदगी यार मुझे पूछने में भी शर्म आ रहा है कि कैसी चल रही है क्योंकि कुछ देर पहले जैसे आप जानते हो कि सीबीएसई ने एक और सैंपल पर रिलीज किया है क्लास टेन मैं मैं सोच भी नहीं पा रहा कि क्या चल रहा होगा आपके दिमाग में बढ़िया से सॉरी ओ गॉड हाँ तो <laughs> तो बड़ी ऐसी आ रही मेरे को यार इस बात को लेकर तो डरो मत आपका टेंशन दूर करने के लिए आज हमने कुछ किया है हाँ विशा जी बताते हैं आपको कि आज के मैराथन का क्या हुआ देखो बच्चों पहली बात ये जो सेशन हमारा चार बजे को होना था आई एम सॉरी और जो बच्चे इसको एज ए वीडियो देखेंगे आई एम सॉरी बच्चों इस पार्ट को आप शायद होना स्किप कर सकते हो लेकिन सुनना जरूर मैं तो यही कहूँगा तो चार बजे का सेशन था हमारा ये वाला लेकिन चार बजे को मैंने देखा कि शुरू में हमने एक अचानक से वीडियो डाल दी कि भाई एडिशनल प्रैक्टिस पेपर नाउ मोर एडिशनल प्रैक्टिस पेपर विच इन द हिस्ट्री ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन इन दिस्ट्री ऑफ सीबीएसई कभी नहीं हुआ है आप लोग आप लोगों का बैच बहुत स्पेशल है यार. क्या कहूं मैं क्या कहूं मैं ठीक है लेकिन जैसे ये प्रैक्टिस रिलीज होता है बहुत सारे चीजें सामने आ जाती है कि भाई सी बी ने क्यों किया ऐसे क्या इसका मतलब कि इस पेपर टफ होने वाला है क्या इसका मतलब है कि भाई हम क्या करेंगे और और मतलब पेपर चेकिंग हार्ड होने वाली है स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए पेपर क्या डिफिकल्ट है एडिशन प्रैक्टिस पेपर वाला क्या उससे भी हार्ड पे, बोर्ड पेपर आएगा ये सारे डाउट्स शुरू हो जाते हैं दिमाग में है ना तो इसी वजह से मैंने आज का अपना मैराथन कैंसिल किया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा आज आपके साथ दर्द बांटते हैं और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं क्या करते क्या कहते हो तो इसी वजह से मैराथन कैंसिल करके ये सेशन में अभी ले रहा हूं नौ बजे को हमारा जो एम सी क्यू क्विज है कलरफुल वर्ल्ड वाला वो जारी रहेगा वो चलेगा और आपके लिए आज दो सरप्राइज लेकर आया हूँ इस सेशन में पहला सरप्राइज मैं आपको बता देता हूँ कि छः बजे एक कलेक्टिव सेशन होने वाला है जहां पर मैं और आपके इस चैनल के सारे टीचर्स रहेंगे ठीक है कुलदीप सर सुरभि मैम आपके रचिता मैम आपके खुशबू मैम ओशन मैम और मैं रहेंगे और हम आपको आकर वहां पर बताएंगे तब तक हम पेपर एनालाइज कर लेंगे एक बार जो मैथ्स और एसिस का पेपर रिलीज हुआ है साइंस और इंग्लिश का नहीं हुआ है अभी तक क्या वो होने वाला है और जो आपका पेपर रिलीज हो चुका है ऑलरेडी उनको एक बार एनालाइज करके हम आपके सामने आएंगे और आपको आगे बताएंगे कि क्या आपका एक्चुअल पेपर हार्ड आएगा सीबीएसई ने ऐसा किया क्यों है वो सारे जो दर्द है वो सारे जो आपके है वो सब निकालेंगे और आपको आगे बढ़ने का स्ट्रेटेजी भी बताएंगे ठीक है और ये होने वाला है कब ये होने वाला है छ बजे को आज वीडियो अभी ऑलरेडी लाइव हो चुकी है हमने नहीं लगा हुआ है लेकिन आप जा सकते हो हमारे होम पेज पे और जाकर अपना रिमाइंडर अभी सेट कर सकते हो सारे अपने दोस्तों के साथ आना ताकि भाई साहब सब का डर आज ही निकल जाए कैसा लगा पहला सरप्राइज बताओ जल्दी से चैट पे कैसा लगा पहला सरप्राइज जल्दी बताएं चैट पे भाई जी स्ट्रेटेजी वीडियो गुरमान जी और मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारे बहुत ही अमेजिंग टीचर जैसे कुलदीप सर सुरभि मैम आज ही आज के आज ही मैथ्स और एस का पेपर एनालाइज भी करने वाले हैं तो प्रोबेबली आपको सात बजे को एक वीडियो मिल जाएगी और लाइव आएंगे हमारे कुलदीप सर और मैथ्स का पेपर एनालाइज भी करेंगे आज और एस का पेपर एनालाइज करेंगी मैम आठ बजे को तो वो सब भी आज ही होने वाले हैं और आई एम वेरी ग्लैड अबाउट माई अमेजिंग यू नो टीचर्स यार सुरभि मैम ने सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो डाला है आ, पूरे यूट्यूबे सबसे पहले डाला है उन्होंने ये वीडियो क्या बात है बहुत मस्त बढ़िया ठीक है तो छः बजे मिलेंगे मिस आउट मत करना अब मैं बताने वाला हूँ आपको दूसरा सरप्राइज आज का और ये सरप्राइज आज मैं बताने ही वाला था लेकिन क्योंकि एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आ गई है मुझे लग रहा है यार क्या सही वक्त पे सरप्राइज लाया हूं मैं क्या आप लोग पहले वो सरप्राइज सुनना चाहते हो दूसरा सरप्राइज कि आप लोग हैंड रूल्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हो जल्दी से बता दो चैट में मैं ओके okay हूं जैसा आप कहोगे हम वैसे आगे बढ़ जाएंगे आप बताइए कि पहले वो सेकंड सरप्राइज चाहिए कि हैंड रूल्स है जल्दी बताओ सरप्राइज यस सरप्राइज 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 ओके सबसे ज्यादा और काम होना चाहिए भाई क्लैरिटी आएगी तब अविशा जी कह रही है हैंड हैंड रूल्स रूल्स देखो को पढ़ाना ही है आज तो, तो मैं पढ़ा कर ही जाऊंगा पहले क्या चाहिए आपको बताइए

हाँ, की ना जिनको हो रही है चैट में स्पैम करके बताइए जल्दी जल्दी बताइए ठीक है में हो हो रही रही है 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 ओके ओके ऑफ यू हैविंग द प्रॉब्लम आप थोड़ी सी ठीक जिनको भी ये दिक्कत हो रही है जिनको नहीं भी हो रही है कौन से चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत या बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मैथ्स में प्लीज चैट में बताइए स्पैम करके किस चैप्टर में हो रही है किस चैप्टर में हो रही है जल्दी बताइए ओके ट्रिगो में हो रही है दीदीपिया जी ओके okay, स्टैटिस्टिक्स में हो रही है ट्रिगो सर्कल सर्कल्स ऑल ट्रिगो सर्कल सरफेस एरिया ट्रिगो ट्रिगो चैप्टर थ्री विच इज ट्रिगो आई थिंक ट्रिगो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी ओके सर्कल्स ट्रिगो क्या बात है तो मेरे को ये अंदाजा लग रहा है कि भाई सर्कल्स में एक प्रॉब्लम आ रही है ट्रिगो में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ऑलरेडी क्वेश्चन सेकंड आ रहा है स्टैटिस्टिक्स प्रॉबिलिटी भी आ रही है क्या बात है लेट मी सॉल्व दैट वन प्रॉब्लम फॉर यू टूडे गाइस ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका प्रॉब्लम है ना मैं आज वो आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं ठीक है कैसे सॉल्व कर रहा हूं लेट मी टेल यू अमेजिंग वेब पेज आपके होश छूट जाएंगे आपके चैट में मैंने एक लिंक पिन किया हुआ है क्लिक करिए उस पर सब लोग सब लोग क्लिक करिए और जो बच्चे इस ऐसा नॉर्मल वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में भी सेम लिंक है आप जाइए अभी के अभी और उस लिंक पे क्लिक करिए मैं भी आपके सामने क्लिक करने वाला हूं ठीक है और ये मैंने किया क्लिक और देख सकते हो आप सामने आपका जैसे मेरा खुल गया है यहां पर आपके सामने खुल गया होगा हम एक बहुत ही स्पेशल कोर्स लाए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल कोर्स है ये ठीक है ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर कोर्स है ये जहां पे ट्रिग्नोमेट्री की मास्टरी होगी आपके सिर्फ और सिर्फ पांच लाइव सेशन के थ्रू ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेंगे पांच लाइव सेशन ठीक है और वो भी होने वाले डेढ़ घंटों के कितने घंटों के एंड हाफ आवर्स के पांच सेशन होने वाले हैं तो अगर आप कैलकुलेट करो कितना हो जाता है भाई एंड एंड आवर्स आवर्स का आपका टोटल सेशन ड्यूरेशन है आपको हर सेशन में इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन मिल जाएगा हर सेशन आपको इस पूरे सेशन के बाद एक फ्री टेस्ट भी मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ठीक है ट्रिगो के ऊपर एक टेस्ट भी मिल जाएगी ताकि आपने जो पढ़ा हुआ है वो पूरा का पूरा आप एक बार टेस्ट ले सको एक बार रिवाइज कर सको मजा आ जाता है भाई लेकिन अब इसमें से सबसे स्पेशल बात ये है है कि ये सेशन करवाने कौन वाला है। देखो गुल्लू भैया से तो अब हमारे में पढ़ते हुए ऑलरेडी हमने सोचा भाई ट्रिग्नोमेट्री मास्टर कोर्स है तो हमसे भी थोड़े बड़े और थोड़े और नॉलेज वाले मास्टरी टीचर्स को ला दिया जाए इस स्पेशल कोर्स में तो आप देख पाओगे कि हमारा ये जो कोर्स है वो लेने वाले हैं चेतन सर चेतन सर ने हजारों आई को निकाला हुआ है रैंक्स निकाले हुए हैं टॉपर्स को निकाला हुआ है क्लास टेंथ में भी निकाला हुआ है और साथ ही साथ जो सबसे टफेस्ट मैथमेटिकल एग्जामिनेशन होते हैं इस पूरे दुनिया में जो है ओलंपियाड जो होता है आपका आईओ जो होता है आपका इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड उनमें भी बच्चों को रैंकिंग दिलाई हुई है और आई क्यू प्रिपरेशन करवाया हुआ है वो चेतन सर आपको एक बहुत ही स्पेशल अंदाज में हंसी मजाक के साथ सबसे बेसिक और सबसे हाईफाई ट्रिक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करवाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा का पूरा सेशन लेने वाले हैं ठीक है और अब इसमें सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगा कि यार जब भी हम ऐसे कोर्स लाते हैं प्राइस की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है है ना फीस सर फीस बहुत, बहुत बहुत बड़ी दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फीस फीस का क्या करेंगे फीस का क्या करेंगे हम है ना लेकिन इस, इस इस पूरे कोर्स का फीस का टेंशन नहीं लेना क्योंकि आप गेस करो इसका फीस कितना है आपके सामने लिंक खुला हुआ है आपने लिंक में देख लिया होगा ऑलरेडी आप मेरे ख्याल से आप भी शॉक हमने भी शौक ही है भाई क्योंकि इस पूरे के पूरे कोर्स का जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ आठ रुपए है कितने है भाई आठ रुपए देख पा रहे हो आप आठ रुपए का कोर्स है ये बस ओनली एट Only rupees for this entire one week course. special साथ ही साथ एक और एडिशनल सेशन होगा क्योंकि आप ग्रेड में हो एक और एडिशनल सेशन होगा सिक्स सेशन जो होगा इन पांचों सेशन के बाद बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे आपको सिक्स सेशन होगा आपका करियर काउंसिलिंग का आपको तो क्योंकि आप टेंथ में हो 10th से आगे जा रहे हो 11, में अगर आपको करियर काउंसलिंग करवानी है तो आपका करियर काउंसलिंग का सेशन भी होगा सेशन में यह मेरे तरफ से आप लोगों को एडिशनल गिफ्ट सिक्स सेशन ठीक है और ये जो है क्लास शुरू हो रही है आप देख सकते हो नवंबर ट्वेंटी से यानी कि इस महीने के एंड से शुरू हो रही है लेकिन जैसा आप जानते हो प्राइस सिर्फ आठ रुपए का है ऑफकोर्स ही बात होगी हमारे नॉर्मल जो हजारों रुपए का क्लास होता है उसमें लोग भर जाते हैं बच्चे भर जाते हैं तो ऑफकोर्स आठ रुपए का है भाई कोर्स यहां पर तो की बात है यहां पर ज्यादा ही मतलब समझ रहा ना जो मैं क्या नहीं कर रहा हूं तो सीट्स बहुत लिमिटेड है क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक में मास्टरी करनी है तो फिर भाई साहब बच्चे कम ही हो पाएंगे ठीक है यस जिक्र जी दैट्स वाट वी वॉन्टेड टू अचीव जैसे आप लोगों ने जैसे भाई मैंने हमेशा क्लियर रखा है मेरे बच्चों को कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि भाई आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिले बहुत जगहों पर हम कोशिश कर पाते हैं कि भाई पैसे कम फीस कम कर दिया जाए जितना हो सकता है क्योंकि देखो यार फीस तो लेनी ही लेनी है वरना क्योंकि कंपनी चलानी है ना भाई हम सबको सैलरी मिलनी है सबको सैलरी मिलनी है जितने लोग काम करते हैं वरना नौकरी नहीं जाएगी लोगों की तो फीस तो लेनी ही लेनी है तो हर हम हमेशा कोशिश करते हैं कैसे हो सकते और कम कर दिया जाए हर बार तो इस बार हमने अचीव किया उस चीज को पूरे एक हफ्ते का कोर्स आठ रुपए में और सिर्फ ऐसा मत सोचना कि सर आठ रुपए में कैसे हो जाए भाई टीचर बहुत बड़े दूसरा जो पांच लाइव सेशन है पांच लाइव सेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी और रही है ट्रिग्नोमेट्री है बड़े बड़े सवाल होंगे बस आप पहुंच जाइएगा ठीक है और अगर आपको ऐसे ही किसी और चैप्टर के लिए डेमो कोर्स चाहिए किसी और चैप्टर के लिए आपको पूरा पूरा कोर्स चाहिए बताइए मुझे चैट में कमेंट्स में बताइए मेरे को मैं उस चीज के लिए भी सिर्फ और सिर्फ आठ रुपए में आप लोगों के लिए लाऊंगा कोर्स ठीक है टाइमिंग क्या रहेगी बेटा मेरे ख्याल से इसकी टाइमिंग सात बजे के आसपास ही कुछ है बट अच्छा गाइज डोंट वरी अबाउट टाइमिंग एन ऑल क्योंकि जो भी कोर्स वेदांतों में होता है आपको रिप्लेस मिल जाती है ठीक है

और उसके ऊपर इतना बड़ा मास्टर टीचर आ रहा है आपके सामने तो ऑफकोर्स ऑफकॉस बात है आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाने चाहिए सेशन के अंदर ही ठीक है भाई साहब तो टाइमिंग वाइमिंग तो भाई मेरे को लगता है कि सात बजे का टाइमिंग है सेवन टू एट थर्टी का टाइमिंग मेरे ख्याल से बट जो भी टाइमिंग हो आप कर पाओगे इसको मैं कहता हूं कि भाई सब कुछ छोड़ो आठ रुपए का जाओ बाई कोर्स पे क्लिक करो ठीक है जैसे आप बाई कोर्स पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे पेमेंट के तो ये एक्चुअली है नौ रुपए का ठीक है एक्चुअली ये नौ रुपए का है लेकिन क्योंकि आप मेरे इस लिंक के थ्रू जा रहे हो ना मेरा और प्यार दस परसेंट का डिस्काउंट लग रहा है वहां पर तो एके प्रो मेरा कूपन कोड है अगर आपको नौ रुपए दिखा रहा है तो मेरा कूपन कोड डाल देना एक के प्रो यहां पर आपको मिल जाएगा ये आठ रुपए में एके प्रो डालना है ठीक है भाई ले लिया भव्य जी भाई कितने बच्चों ने ले लिया ऑलरेडी बताओ चैट पे कितने बच्चों ने अभी लाइव में ही ले लिया मेरे को लगता नहीं आपको मम्मी वापस से पूछने की जरूरत है इस चीज के लिए जाओ बस ले लो अभी अभी लो अभी लो अभी सारे बच्चे अभी ले लो ट्राइंगल चाहिए पप्पू यादव जी ठीक है देखो मेरे को यहाँ पे ट्राइंगल और सर्कल्स और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखे हैं कमेंट्स सबसे इसका जा, सबसे ज्यादा किसका आएगा वो मैं करवा दूंगा आपके लिए कर लिया सबने हाँ एके प्रो मेरा कूपन कोड है अरे हाथ उठा लिया सारे बच्चों ने क्या बात है बिल्कुल वक्त पर बात दी है एस के लिए सर आपको जो सब्जेक्ट का जिस चैप्टर का चाहिए बताओ मैं नहीं चाहता कि मल्टीपल चैप्टर्स हो या मैं नहीं चाहता कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो एक हफ्ता डेडिकेटेड चैप्टर करेंगे तो मजा आ जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ वरना मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे ना कि दो तीन दिन मैथ्स किया दो तीन दिन साइंस किया मजा नहीं आता उसमें कोई भी टॉपिक सॉल्व नहीं हो पाती फिर मेरे को ये लगता है आप बता देना जो गो ठीक है भैया बट अगर मेरी पेड बैच की टाइमिंग क्लैश हो रही है तो विश्वाजी चिंता क्यों रिप्ले है ना पता ही है आपको रिप्ले तो है ही ठीक है बढ़िया सॉर्टेड है ठीक है चलो बहुत बढ़िया बच्चों तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस अमेजिंग ट्रिग्नोमेट्री मास्टर कोर्स उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा है क्या आज हमने अच्छा किया तो कमेंट से जरूर बताइएगा सॉरी आप लोगों का वक्त इतना बर्बाद करने के लिए बट हम आगे बढ़ते हैं अभी हैंड रूल्स में क्या सब लोग प्रेजेंट हैं एक बार ज़्यादा बल्ले बल्ले बोल दो चैट में जल्दी से एक बार चैट में बल्ले बल्ले बोल दो मैं देख लेता हूँ कितने बच्चे हमारे अमेजिंग आ चुके हैं ठीक है ठेके? और जो बच्चे इस वाला से वीडियो देख रहे हैं उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा एंड 27 सेवन नवम्बर तक आपके पास वक्त है इस कोर्स में एनरोल करने के लिए उसके बाद ये कोर्स ऑफ कोर्स एक्टिव नहीं रहेगी ऑफकॉर्स आल्सो इट इज़ लिमिटेड सीट्स के ऊपर भी है ठीक है बेटा चलो हाँ जी हमारा सेशन चल रहा है यहाँ पर तो सेशन दिख का नहीं रहा है कहाँ गया भाई हमारा सेशन ऐसे करोगे हमारे सेशन के साथ एक सेकंड बच्चों अपना सेशन देख रहे हैं हम बताओ अपने ही सेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम कि कहाँ है हमारा सेशन चल रहा है हाँ मिल गया मिल गया अरे अरे यूट्यूब पर हमारा सेशन ही नहीं दिख रहा चलो ट्रिक, ट्रिक टेलीग्राम में जाके आपको जो लिंक शेयर किया तो उसपे से जाना पड़ेगा हाँ अब मिल गया हमारा सेशन सेशन मिल गया हमारा बच्चों का बात है, का बात बात है 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 बहुत बढ़िया ठीक तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 120 प्लस बच्चे बैठे हुए हैं सारे के सारे ज्वाइन कर लेना भाई साहब ठीक है चलो ओके तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हैंड रूल्स गाइस सबने बल्ले बल्ले बोल दिया चलो भाई शुरू करते हैं थैंक यू सो मच अब इस सेशन को देखो मैं पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहता क्या करने वाला मैं बताता हूँ आपको हैंड रूल्स हैं दो एक है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल

अच्छा ये बबुआ का तो भाई बैटरी खत्म हो गया लगता है चलो राइट हैंड थंब रूल पे आ चुके हैं लगता है थोड़ा बहुत नहीं लगता है लगता है ना, सबको लगता है यार अक्षांत जी नमस्ते कैसे हो आप जो बच्चे ट्वेल्थ में जाते हैं उनको भी लगता है हैंड रूल से दर्द क्योंकि भाई वहां पर ट्वेल्थ में भी सेम रूल्स आता है आपको राइट हैंड थंब रूल लेफ्ट फ्लैमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल भी वहां पे आता है टेंथ में भी था अभी वहां पे आता है राइट में बट ठीक है चलो अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है पहले मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे देता हूँ कि राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल्स ठीक है राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं ठीक है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं और इसी रूल को कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं ठीक है कॉर्क स्क्रू रूल भी इसी को कहते हैं मतलब थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली सेम है ठीक है टेंशन लेना आपको इस बात को लेकर तो क्स रू रूल अगर आप पूछ रहे हो मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल्स पूछ रहे हो और सिंपल राइट हैंड रूल पूछ रहे हो सबका जो मंजिल है वो एक ही है टेंशन नहीं लेने का ठीक है ये समझ लो दूसरी चीज जो आपको वार्निंग याद रखनी है हैंड रूल्स को लेकर सबसे 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 इंपॉर्टेंट दो रूल दो वार्निंग्स है जो कोई भी रूल अप्लाई कर रहे हो आप इसको फॉलो करना जरूर है नंबर वन पेरेंट्स के सामने हैंड रूल्स को मत करिएगा ठीक है ये मैंने मेरे मैराथन में बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट्स के कि पेरेंट्स के सामने हैंड रूल्स को मत करिएगा क्योंकि तो जब भी आप हैंड रूल्स करते हो जब भी आप हैंड रूल्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फिर आपके हाथ ऐसे 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 मुड़ जाते हैं ठीक है आपके पेरेंट्स को लगेगा कि अचानक से इनके अंदर मंजुलिका की आत्मा आ गई है और वो शायद आपको लात मार के घर के बाहर निकाल सकते हैं ठीक है तो मत करिएगा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपके हाथ फ्रैक्चर हो सकते हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को सालों में बोला है सालों सालों बोला है कि सर हाथ मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के दर्द होने लग गई है लगता है कि फ्रैक्चर हो गया ठीक है तो जब भी आप हैंड टूल्स के सवाल सॉल्व करें थोड़ा मुलायम तरीके से सॉल्व करिएगा भाई हाथों को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कलाइयों को थोड़ा वक्त दीजिएगा वरना कलाइया टूट जाती रिलेट यू कैन रिलेट अलीना आई नो हाँ फ्रैक्चर हाँ ठीक है कि भाई नाजुक होते हैं कुछ लोग ऐसे हाथ घुमा कर सवाल आ जाता है तो फिर वो टूट जाते हैं ना तो ध्यान रखिएगा ठीक है बेटा <laughs> बात समझ में आ गई जनरल बॉलिंग ठीक है है भाई अब राइट हैंड थंब रूल क्या मेरे साथ सब लोग करेंगे ठीक है सब लोग अपना जो पेन है सामने रखिए सामने रखिए पेन इस पेन को कंडक्टर मानिए क्या है ये ये कंडक्टर है कंडक्टर क्या होता है जिसमें करंट बहती है उसको हम कंडक्टर कहते हैं ठीक है तो ये कंडक्टर है और मान लीजिए कि इसमें जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रही है अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो अब मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल होता कहां पे और क्यों होता है राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल होता है कि जब भी आपको एक वायर में करंट दी जाए और आपको पूछा जाए कि इस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन बताइए ठीक है पहले तो आपको यह समझना है कि जहां पे भी करंट दौड़ती है

इसके ऊपर सीबीएसई गुगली भी डाल देता है क्या डालता है सीबीएसई गुगली सीबीएसई कहता है कि चलो एक कंडक्टर है इसमें मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता हूं आप मत निकालो मैं दे देता हूं आप करंट का डायरेक्शन बताओ तो यानी कि उल्टा पकड़ लिया सीबीएसई ने कान तब आप भी क्या करना सेम सेमसल राइट हैंड रूल के थ्रू आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाती है तो आप करंट भी निकाल सकते हो ठीक है इसको बस दिमाग में रखना ठीक है बढ़िया ले लिया भाजी बहुत बढ़िया तो ये सामने आ गया आपके ठीक है कंडक्टर है करंट ऊपर की तरफ जा रही है अब तमरूल में कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सब लोग क्या करेंगे सब लोग अपना राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में रखेंगे रख दिया सबने राइट हैंड का थंब देखो करंट ऊपर की तरफ जा रही है हमने थंब को ऊपर की तरफ रख दिया सब लोग रख दो रख दिया सबने ठीक है राइट right हैंड मैं बार बार बोल रहा हूं राइट हैंड क्यों क्योंकि जब मैं राइट right बोलता हूं बहुत सारे बच्चे लेफ्ट उठाते हैं ठीक है जितने ने लेफ्ट उठाया है डालो उसको अपने जेब में और राइट right हैंड उठाओ ठीक है बेटा तो राइट हैंड थंब रूल में राइट right हैंड को उठाना होता है अगर आपको लेफ्ट राइट right में कंफ्यूजन है तो जैसे आपके ईयरफोन्स में एल और आर लिखा होता है ना हेडफोन्स में ईयरफोन्स में वैसे अपने हाथ में लिखो एल आर लिखो ठीक है चलो तो राइट हैंड थंब रूल में राइट right हैंड को उठाया करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा अब जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ेंगी ठीक है द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ रही हैं, वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या सर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे सर्कुलर आएगा बिल्कुल यस ये आपको याद रखना है ठीक है तो इस बात को अच्छे समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर्कुलर ही आएगा अब सर्कुलर कैसे आएगा ठीक है जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है हमने थंब ऊपर की तरफ रखा हुआ है और उंगलियों को मोड़ दी है ठीक है उंगलियों को मोड़ दिया है तो किस डायरेक्शन में दिख रहा है भाई कि मैग्नेटिक किस डायरेक्शन में दिख है रही है कि उंगलियां मुड़ रही हैं उंगलियां मुड़ रही हैं मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बहुत बच्चों को अगर लेफ्ट और राइट में डाउट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में डाउट होगा मैं आपको समझा देता हूँ देखो आप मेरे 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 व्यू से देखो ठीक है सबको मैं ऐसा दिख रहा हूँ आप भी ऐसे ही बैठे हुए हो है ना तो अपना राइट हैंड उठाइए ऊपर अगर राइट हैंड को राइट की तरफ घुमाओगे तो वो क्लॉकवाइज होता है ठीक है राइट हैंड को राइट की तरफ घुमाओगे तो क्लॉकवाइज होता है राइट हैंड को उल्टा लेफ्ट की तरफ घुमाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज ये हो गई क्लॉकवाइज इसको ऐसे याद रखना है ठीक है बेटा तो आपकी उंगली किस डायरेक्शन में घूम रही है लेफ्ट की तरफ घूम रही है ठीक है सॉर्टेड है बढ़िया अब आप मुझे करके बताओ प्रैक्टिस करो जल्दी से मुझे बताओ अगर करंट नीचे की तरफ हुआ तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जल्दी बताओ चैट पे जल्दी बताओ मिश्रा जी हम नेक्स्ट क्षम मिश्रा जी हम नेक्स्ट सेशन में कर देंगे नेक्स्ट वीक में कर लेंगे ठीक है आज आपका एडिशनल प्रैक्टिस पेपर आया है ना इसलिए उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं क्लॉक होगा सुप्रिया दीदी दीदीपिया विश्वास सिद्धू भूषण मोटू बतलू जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया स्मिता जी क्या होगा डायरेक्शन इसका होगा क्लॉकवाइज बहुत बहुत बढ़िया बेटा कितना कितने अच्छे से आपने कर लिया बहुत बढ़िया सो हैप्पी फॉर यू कुछ ज़्यादा घुमा दिया हाथ और भाई मार्क्स आ गए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गाइस कांग्रेचुलेशन बहुत सही किया आपने देखा कितना इजी हो गया तो अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर उंगलियां क्लॉकवाइज घूमती है अब जैसे मैंने कहा था सीबीएसई जो गूगली डालता है वो सवाल कैसे आते हैं कि भाई मान लो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूम रहा है तो का बताओ। तो करंट का डायरेक्शन बताओ आप फिर वही करोगे अच्छा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट नीचे की तरफ है ऐसे आप बता सकते हो ठीक है लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है जो मेरा शॉर्टकट है जैसे चैट में आप देख सकते हो ऑलरेडी बच्चे स्पैम कर रहे हैं यह है अभिषेक सर का शॉर्टकट राइट हैंड थंब रूल को याद करने का ठीक है और उस शॉर्टकट का नाम है स्कैन ठीक है तो अगर आपको ये सही लगे तो स्कैन ओपी कर देना चैट में ठीक है अगर करंट का डायरेक्शन साउथ की तरफ है करंट का डायरेक्शन साउथ की तरफ है तो जैसा आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी और अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है तो जैसा हमने कहा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो स्कैन ऐसे याद रख सकते हो आप तो एक बार स्कैन ओपी हो जाए चैट में भाई अगर आपको ये शॉर्टकट सही लगा हो तो ठीक है बढ़िया कभी नहीं बोलोगे फिर हो गया ऐसा बिना हाथ टोड़े क्या बात है अनिल जी सर शुड वी प्रैक्टिस पी व्यूज चैप्टर वाइज एप्सोलूटली येज में कहा करेंगे डरो मत आप हमारे साथ जुड़े रहो हम करेंगे वो सब करेंगे चिंता नहीं विल विल कम टू दैट पाथ विल कम टू दैट डोंट वरी ठीक है चलिए अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल उठाया पार्थ ने सवाल उठाया काफी अच्छा सर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सवाल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मेरे को याद आया आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है बेटा यहाँ पर जो मैं करंट बोल रहा हूँ या तो किसी भी हैंड रूल में जो करंट मेंशन होता है वो कन्वेंशनल करंट होता है बेटा इसको याद रखना हमेशा ठीक है प्लीज मेक इट एज अ प्रिकॉशन कुछ गलतियां हैं जो आप करोगे जैसा राइट हैंड के वो लेफ्ट हैंड उठाना ये गलतियां एक हुई दूसरा प्रिकॉशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर प्लीज फोकस करिए इस चीज़ को बहुत बच्चे भूल जाते हैं यहां पर कन्वेंशनल करंट को फॉलो होता है इलेक्ट्रॉन वाले करंट को नहीं यानी कि आप अगर पॉजिटिव करंट वाला करंट उठाओगे तभी सही आएगा जवाब अगर आपको सवाल बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन करंट इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है बताइए मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या है और आप इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट नीचे जा रहा है सोचकर अगर आप नीचे की तरफ करंट रख दोगे तो गलत होगा क्योंकि करंट कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के करंट यानी कि नेगेटिव करंट के ऑपोजिट करंट में होता है ठीक है तो करंट आपको ऊपर जा रहा होगा तो फिर आपको हम रूल ऊपर की तरफ लगाना है ठीक है ये छोटी सी चीज बहुत बच्चों की गलत हो जाती है दूसरी बात अगर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन बोला गया तो कोई एक पॉजिटिव चार्ज बोला गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज जा रही है नीचे की तरफ तो फिर वही डायरेक्शन कन्वेशन करंट का ठीक है हमेशा याद रखेगा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव करंट होता है इलेक्ट्रॉन का करंट नेगेटिव होता है आपको कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन उठाना है ठीक है बिल्कुल मत भूलिएगा इस चीज को ठीक है तो भाई एक बार हो जाए बल्ले बल्ले मजा आ गया हो तो हो जाए बल्ले बल्ले और ये पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि राइट हैंड थंब रूल होता क्या है आप इस इस पूरे पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो मैं अभी सेशन के बाद डाल दूंगा ठीक है बेटा और आ, क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में या तो सीधा आप सर्च कर लो टेलीग्राम ग्रुप में वेदांतो नाइन थर्टेंथ आपको मिल जाएगा हमारा चैनल कुछ सत्ताईस हज़ार बच्चों है वहाँ पर आ जाना ठीक है बढ़िया हाथ टूट गए डॉक्टर के पास चले

आपके आ, क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देखकर ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से घूम रही है मैं आपको डायरेक्शन बनाकर दिखा देता हूं आपको बताना है कि भाई करंट बाहर को आ रही है कि अंदर को जा रही है आप देखकर बताओ दोनों में सेम मैग्नेटिकील्ड का डायरेक्शन कौन सा सही है इसमें कौन सा वाला सही है कौन सा करंट का डायरेक्शन सही है इसमें देखो करंट का डायरेक्शन इस तरफ दिया हुआ है और इसमें करंट का डायरेक्शन उस तरफ दिया हुआ है तो ए और बी में करंट का डायरेक्शन कौन सा सही मेंशनड है करंट आउटवर्ड आ रहा है है ना बहुत बढ़िया भाई ऑटोमेटिक राइट हैंड उठाओ ऐसे घूम रहा है।, तो देखो, मेरा थंब तो है ना तो ये वाला सही है so बढ़ते, एक और सवाल कोशिश करते हैं करने की हाँ इन ए कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन अबो द कंडक्टर देखो ये सवाल आता है जैसे ऊपर नीचे का तो आप कर लेते हो अभी आराम से आप स्कैन के थ्रू कर लोगे लेकिन मान लो अगर आपका कंडक्टर अब स्ट्रेट रखने के बदले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है अब उसको ऐसे लेटा दिया है हॉरिजॉन्टल रख दिया है और बोला जा रहा है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबो दंडक्टर कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा क्या ऑप्शन होना चाहिए इन टू द्लेन आउट ऑफ द्लेन टूवर्ड्स दी वेस्ट ठीक है इसको करने का मैं इजी तरीका बताता हूं एक तो जब आप प्रो बन जाओगे ना राइट हैंड थंब रूल में तब तो आप इसको आराम से कर लोगे जैसे यार ऐसे रखा गया ना ठीक है तो आप क्या करोगे कि भाई करंट तो उस तरफ है करंट फ्लोज इलेक्ट्रॉन फ्लोज ने ईस्ट टू वेस्ट करंट उस तरफ है तो आप देखोगे जब मैंने थम्ब को करंट के डायरेक्शन में रखा ऊपर की तरफ कंडक्टर के ऊपर आप देखोगे मेरे जो उंगलियां हैं वो स्क्रीन के अंदर जा रही हैं है ना और कंडक्टर के नीचे वो से वो बाहर आ रही हैं तो अंदर को जा रही है तो मेरा जवाब यहां पे ऑफ ऑफकोर्स आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए

इन डायरेक्शन से करंट फ्लोइंग इन दी वायर वेस्ट ईस्ट साउथ नॉर्थ बताइए करंट किस डायरेक्शन में वेस्ट ईस्ट साउथ नॉर्थ स्वेच्छा जी नो आई एम नॉट जल्दी बताइए थोड़ा सा गोल माले आई वुड सजेस्ट यू गाइस इसकी स्क्रीन में देख के ना करिए नोटबुक में बनाइए पहले इस चीज को फिर सॉल्व करिए क्योंकि अगर आप नोटबुक में नहीं बनाओगे से, तो आप नहीं कर पाओगे लेट मी वेरी ऑनेस्ट यू हियर जल्दी समझ नहीं आ रहा है ना अक्षरा जी हाँ नहीं आएगा आप लोग नहीं कर पाओगे इसके अगर आप स्क्रीन देखे कर रहे हो फोन देखे कर रहे हो लैपटॉप देखे कर रहे हो इसको अपने नोटबुक में बनाना पड़ेगा आपको तभी इसे कर पाओगे आप इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप इसको प्लीज करिए बढ़िया ठीक है ठीक है जिनको समझ नहीं आ रहा है वो अब देखें मेरे कि हम कैसे कर रहे हैं इसको जैसे आपने इसको नोटबुक में बनाया ठीक है आपको देखे कि भाई ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट को जा रही है और नीचे ईस्ट को जा रही है देख पा रहे हो आप देखो मेरे हाथ कैसे घूम रहे हैं वेस्ट से ईस्ट ये जा रहा है वेस्ट से ईस्ट ये क्या डायरेक्शन है गाइस एंटी क्लॉकवाइस है है ना ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वेस्ट ऊपर ईस्ट नीचे वेस्ट ऊपर ईस्ट नीचे करेक्ट करेक्ट तो मेरा थंब कहां पे है थंब तो भाई मेरा बाहर को पॉइंट कर रहा है ठीक है बाहर को पॉइंट कर रहा है अब बाहर का मतलब होता है नॉर्थ नॉर्थ तो डायरेक्शन साउथ साउथ होता हाउथ सॉरी साउथ तो डायरेक्शन नॉर्थ नहीं साउथ <laughs> साउथ डायरेक्शन बहुत भाई, क्योंकि ऊपर अंदर की तरफ होगा नॉर्थ बाहर की तरफ होगा साउथ बढ़िया सुपर गाइस सुपर बहुत बढ़िया फोड़ दिया आपने साउथ कैसे है? जैसे मैंने कहा सुप्रिया जी नॉर्थ अगर अंदर की तरफ जाता है थम तो वो नॉर्थ अंदर की तरफ देखो वेस्ट इधर था वेस्ट इधर था ठीक है वेस्ट ईस्ट इधर था तो नॉर्थ साउथ इधर ही होगा समझ रहे हो आपका अगर वेस्ट इधर है ईस्ट इधर रखा हुआ है इस डायरेक्शन में रखा हुआ है वेस्ट को इधर रखा हुआ है तो नॉर्थ और साउथ ऐसे होंगे ना नॉर्थ अंदर और साउथ बाहर घोचा हो गया ये बस मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया है कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं पहले दो सवाल इजी थे उसी टाइप के मोस्टली सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वाला वर्जन थोड़ा हार्ड वाला वर्जन था बस आपको ग्लिम्स देने के लिए भाई कि ऐसे सवालों को भी हम प्रैक्टिस अलग से जरूर करेंगे बट इसके बाद हम चलते हैं आगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की तरफ ठीक है सब लोग रेडी हो भाई इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए बोलो जोर से बल्ले बल्ले बोलो जोर से बल्ले बल्ले सारे लेफ्ट हैंड रूल के लिए रेडी हो कोई बात नहीं सुबह जी बहुत बढ़िया क्या गोल माले है ना हाई नो सिद्धू यार पूरा गोल माली है भाई अच्छा अब तक राइट हैंड रूल करे कि इनको हाथ में दर्द हो गया वो भी बताया चैट में थोड़ा सा कितनों को दर्द हो गया कि जो भी दर्द अभी हुआ है कोई दर्द नहीं है लेफ्ट हैंड रूल में ज्यादा दर्द होगा ठीक है बढ़िया यस ठीक है अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई लेफ्ट हैंड रूल कहां इस्तेमाल करते हैं ना जैसे मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल के लिए बताया था देखो यार लेफ्ट हैंड रूल में तीन उंगलियों के काम आती है ठीक है क्या क्या आता है तीन उंगलियों का काम आता है तो सर दो उंगलियां एक करंट होगा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा बिल्कुल सही एक आपका करंट होगा एक आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और तीसरा होगा फोर्स का डायरेक्शन ठीक है तो लेफ्ट हैंड रूल कहां इस्तेमाल करते हैं फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है जब आपके पास करंट होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है और आपको फोर्स का डायरेक्शन निकालना होता है तब जाकर आपको आ, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना होता है राइट हैंड रूल में सिर्फ दो ही वेरिएबल है करंट और मैग्नेटिक फील्ड जहां तीन वेरिएबल आगे याद रखेगा बताइए दिखा देते हैं आपको उंगलियां कौन कौन सी ध्यान से देखिए आपके सीन के सामने आ चुकी है ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑफकोर्स बात है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में आप अपने दाइने पैर का इस्तेमाल तो नहीं करोगे

अब यहां पर मैं देता हूं आपको दूसरा प्रिकॉशन वो ये है कि उंगली को ऐसे मत निकालना भाई ठीक है पहली बात तो आपको गाली पड़ेगी दूसरा <laughs> दूसरा कि भाई ये गलत है इसलिए मैंने बोला कि आप पहले इंडेक्स फिंगर और थंब से गन बनाइए उसके बाद आप फिर मिडिल फिंगर को ऐसे बाहर निकालिए तब सही आएगा क्योंकि ये जो पहली वाली गलती है वो मैं खुद करता था बहुत सारे क्लासेस में करता था तो प्लीज ना करिए ठीक है चलो तो ये फ्लेमिंग सेफ्रम में उंगलियां निकाल दी आपने हाँ अब यहां पर उंगलियां बताती क्या है अगर आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड बताती है अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती है और आपका मिडिल फिंगर करंट बताता है तो आपका जो जो थंब है वो आपको फोर्स बताएगा ठीक है अगर आपका इंडेक्स फिंगर आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपका मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताता है तो आपका जो थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा ठीक है अब सर इसमें कोई शॉर्टकट है जैसा आपने स्कैन बताया था हाँ बिल्कुल है भाई जैसा आप मेरे स्क्रीन में ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पर आ भी गया इमेज के साथ मेरा शॉर्टकट हमेशा से रहा है फादर मदर चाइल्ड अब मेरे को मेरे को बस ये यकीन होना है कि यहाँ पर फादर मदर चाइल्ड मेरे अगता जी ने लिखा हुआ है जिसने कॉन्टेंट बनाया है अगर ये गूगल में आ गया है ये इमेज तो फिर मेरे को उसको पेटेंट करवाना पड़ेगा क्योंकि फादर मदर चाइल्ड कोई यूज नहीं करता था मैंने यूट्यूब पर लाया था अगर ये गूगल में मिलने लग गया है तो फिर मैं इसको पेटेंट करवाना पड़ेगा कि भाई ये ये मेरा ट्रिक था यार गूगल में मत डालो डाल ठीक है तो फादर मदर चाइल्ड आप याद रख सकते हो फादर एफ फोर्स होता है और फादर होता है है ना और एम ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड होती है और मदर होता है और सी से ऑफकॉर्स करेंट और चाइल्ड होता है तो फादर मदर चाइल्ड वाला आप याद रख सकते हो फादर मदर चाइल्ड तो आपको हर बार फ्लमिंग के सवाल में पप्पा को ढूंढना ढूंढना होता होता है है किसको पप्पा को फादर को ढूंढना होता है बढ़िया सॉर्टेड हो गया ठीक है अब फादर को ढूंढना जरूर होता है लेकिन ऐसे भी सवाल हो सकते हैं जहां पर आपको फादर और चाइल्ड दिया जाए मदर ढूंढना पड़े हो सकता है कि फादर और मदर दिया जाए और चाइल्ड ढूंढना पड़े बिल्कुल हो सकता है याद रखेगा इस बात को ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं सबको समझ में आ गया तो बोलो उस दौर से एफ एम सी ओपी एफ एम सी ओपी हो जाए चैट में फादर मदर चाइल्ड ओपी हो जाए चैट में जल्दी से हो जाए आगे बढ़ते हैं एक सवाल को सॉल्व करते हैं पहला सवाल मैं सॉल्व करूंगा आप नहीं करोगे मैं करूंगा दूसरा आप करना डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इन दी फॉलोइंग फिगर विल बी डायरेक्शन ऑफ ऑफ मोशन कंडक्टर ठीक है तो मतलब फोर्स का डायरेक्शन निकालना है आप देख सकते हो करंट जो है नीचे की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है रखिए अपनी सुनहरे उंगलियों को तो बताइए क्या जवाब है अपने हाथों को मोड़ने के लिए रेडी हो जाइए तो भाई साहब गल बना दिया मिडिल फिंगर बाहर निकाल दिया ठीक है तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर देता है फादर मदर चाइल्ड इसलिए क्योंकि बच्चे कभी कभी मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं नहीं फादर मदर चाइल्ड इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में करंट नीचे के डायरेक्शन में तो थम्ब स्क्रीन के अंदर जा रही है तो इन टू पेज जवाब होना चाहिए आपके लिए इन टू पेज होगा मेरे लिए इन टू प्लेन होगा इन टू स्क्रीन होगा तो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स प्लेन ऑफ पेपर हाँ ये सही जवाब लग रहा है मेरे को पहला ही परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स नहीं है पैल टू तो दी मैगनीफिल नहीं पैल टू तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है परपेंडिकुलर ही होना चाहिए तो नहीं हो सकता तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है बोलो बल्ले बल्ले ठीक है बी आ रहा है आपको बी कैसे आ रहा है है भाई गाइस अगर आपको बी आ रहा है जवाब तो फिर आप लेफ्ट नहीं राइट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हो पहले ही बता देता हूं मैं अगर आपको बी जवाब आ रहा है तो आप राइट हैंड का ही इस्तेमाल कर रहे हो लिखो अभी लिख दो यार एल आर लिख दो अभी लिख दो है ना कर रहे करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन करंट नीचे की तरफ है इस प्लेस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड नॉर्थवर्ड्स डायरेक्टेड नॉर्थवर्ड्स ठीक है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्यों क्योंकि जैसे यहां पर आता है डाउनवर्ड आपको लगेगा अच्छा करंट फिर साउथ की तरफ जा रहा है नहीं अगर साउथ की तरफ जाता तो वो साउथवर्ड लिखता इस जैसे यहां पे नॉर्थवर्ड लिखा हुआ है तो ये आपको समझना है कि जैसे आप इसको नोटबुक में बनाओगे नोटबुक में जब बनाते हो तो नॉर्थ ऊपर होता है साउथ इधर होता है ईस्ट इधर होता है वेस्ट इधर होता है ठीक है तो यहां पर करंट कहा जा रहा है करंट डाउनवर्ड जा रहा है यानी कि करंट आपके नोटबुक के नीचे जा रही है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं नीचे जा रही

कि नॉर्थवर्ड और अपवर्ड नॉर्थ और अपवर्ड हमेशा सेम डायरेक्शन नहीं होते हैं नोटबुक के हिसाब से करिएगा ठीक है यह सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूं कोशिश करिए कि जवाब आप मुझे कमेंट्स में बताएं ठीक है और मैंने आपसे इस सेशन की शुरुआत में बहुत सारी चीजें पूछी थी और आप लोग को दो तीन सरप्राइजेस भी दिए थे जो बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन करिए हैं प्लीज आप सेशन के स्टार्टिंग से एक और बात देखिए आप लोगों को मजा आ जाएगा भाई साहब ठीक है तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में छह बजे का सेशन मिस आउट मत करेगा छह बजे का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या होगा आपके पेपर में वगैरह वगैरह चीजें और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर एक और रिलीज क्यों किया इसी बीच में सारे डिस्कशन सारा डर आपका आज निकाल देंगे अपने दोस्तों के साथ आइएगा उस विच सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा जल्दी की जल्दी मिलते हैं आपको सेशन के अंदर छह बजे को ठीक है और आज रात को नौ बजे हमारा सेशन भी हो रहा है ह्यूमन आई के के क्विज ऊपर ठीक है